Please welcome Kapil as Bandwala, Shweta and Mubeen as various characters with Katie as Nana. ये भोपू बजाना बड़ा मुश्किल काम है। खास तौर पे उन दिनों पे जब आपका पेट खराब हो। पता नहीं चलता ना कौन सा वाला भोपू बजाए। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, हमारा बैंड जो है बहुत पुराना बैंड है, बड़े बड़े लोग हमें बुलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग। आपको यकीन नहीं करेंगे, कई बार तो ये भी होता है कि हमारे बैंड की डेट फ्री नहीं होती ना, लोग शादी पोस्टपोन कर लेते हैं। कहते दुल्हन भले ही चेंज हो जाए लेकिन बैंड जाएगा तो ज्योति ब्रास बैंड। जोरदार तालियां मेरे बैंड के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, दादे जमाने के परदादे से हमारा बैंड चला जा रहा है। मुझे आज भी याद है अर्चना जी की शादी पे हमारे दादाजी उस टाइम हैंडल किया करते थे बैंड, वो मुझे बताते हैं। कहते बड़ी शाही शादी हुई थी भी इनकी, 2000 लोगों की बारात और दारू की तो नदियां बह रही थी। इतनी दारू आप यकीन नहीं करेंगे। एक बंदा बाहर पैलेस के कीचड़ में लेट रहा फुल, और परमीत की मम्मी भड़क गई, कहती इस घर में शादी करनी नहीं, जो लड़की शादी वाले दिन कीचड़ में लेट रही है बाद में पता नहीं क्या करेगी। बाकी मैंने आज एक बहुत बड़ा फंक्शन बुक किया है सैफ की शादी का, उनकी पहली शादी भी हमने करवाई थी। उस शादी में ना एक बड़ी गोल मटोल सी प्यारी सी लड़की नाच रही थी, आज उसी लड़की से दोबारा उसकी शादी है। तो ऐसे होता है, पर खैर अपने को क्या लेना देना, हम लोग जाएं लोगों की शादियां कराएं। मी पहिला तुझा डोळ्यांचा थ्रू कधी 101 कधी 102 क्या दिवशी झाला फीवर सुरू। ए बैंड वाले, तू ही जुगनू बैंड वाला है, इसमें इतना चला के पूछने क्या जरूरत है। आपका क्या नाम है? नाना। ये रिश्तेदारी बाद में बताओ, नाम बताओ मुझे। नाना चाचा बोल के बड़े लोग पैसे कम करा जाते मेरे से। ए, नाम ही बता रहा हूँ, नाना पीटे का नाम है मेरा। अच्छा, मैं अपनी शादी के लिए बैंड बुक करने आया हूँ। वाह वाह, सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद, एक शादी है जो आपको ठंडा कर सकती है एक्टरों के ज्वालामुखी। लेकिन आज नहीं बुक हो सकते हम लोग, आज हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम पकड़ा हुआ है, सैफ की शादी है। उसकी दूसरी शादी है, मेरी पहली शादी है। पहली मेरी शादी करा, वो मेरा जूनियर है, मैं उसे देख लूंगा। देखिए सर, हम लोग एक दिन में दो दो फंक्शन नहीं पकड़ते वैसे, पर आप बोल रहे हो तो ठीक है, 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख? ए लड़की मेरे पास है, मैं तो सिर्फ ये तेरा पोपो की बात कर रहा हूँ। चल थोड़ा कुछ कम कर, थोड़ा सा। देखिए हमारे यहाँ कम नहीं होता, फिक्स रेट होता है, पर आप ज्यादा कह रहे हो तो चलो ठीक है, 1200 दे देना। 1200? ठीक है, लेकिन 1100, अब इससे कम नहीं करूंगा मैं, 1100 से कम नहीं करूंगा मैं। हाँ डन, 1500 दे दिया, 2000 दे दिया। मेरी ये जो है वो लव मैरिज है। अच्छा। और मेरे घर वाले हैं जो इस शादी के खिलाफ है, इस वजह से कोई बाराती रिश्तेदार नाचने उसकी के चिंता मत करो सर जी, हमारे पास सारे अरेंजमेंट है। आप बताओ तुमको चाहिए क्या, बुआ चाहिए, फूफी चाहिए, मामी चाहिए, दादी चाहिए, ताई, हर तरह के, हर धर्म के, हर कास्ट के रिश्तेदार हमारे पास है। आप बताओ चाहिए क्या आपको? मुझे, मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। तो मुझे एक बुआ, और वो शादी में जो उंगलियां करता है ना, क्या नाम है उसका? जीजा। जीजा? हाँ वो जीजा। जीजा चाहिए, टेंशन मत लो। हेलो, हाँ अच्छा, अपने पास बुआ पड़ी कोई? एक बुआ कर दो, और एक वो अपना जीजा, जीजा लेगा। वो पिछली बार वाला जीजा ना भेजना यार, वो रस्म में कम नहीं पाता साला, शादी में पैसे ज्यादा लूटता है। जल्दी भेज दो अभी कभी शादी। सर जी आप बैठिए, अरेंजमेंट हो गया, आप बैठिए, बैठिए घोड़ी पे। ओ माय गॉड, मेरे चार्चर साले, चार्चर घोड़ी। आज तो मेरे भतीजे की शादी है। हाय मेरे भतीजे। भतीजा ऊपर बैठा है। दूल्हा मैं हूँ, दूल्हा मैं हूँ। अच्छा। मैं हूँ दूल्हा। बैंड वाले जल्दी से बैंड बजा, मैं खूब नाचूंगा आज। बैंड बजा, मेरे साले की शादी है। क्या है? मेरे साले की शादी है, बजा। ए, ये क्या है, एक को दिखाई नहीं दे रहा है और एक एक को चार चार दिखाई दे रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ इसकी आंखें, इसको लगाओ। सुनो मेरी बात, मेरे से बिना पूछे अगर कोई बोला अब साले जीजा तेरे को कितनी बार कहा है, जब किसी शादी में जीजा बन के जाना है घर से मत पी के, अगर बेवड़ा कहेगा तेरे को इधर दारू नहीं मिलेगी क्या? और तू तो कह रहा दारू छोड़ रहा है तू पे। नहीं मैंने दारू छोड़ दिया, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, दारू छोड़ दिया मैंने। मेरे शादी निकल रहा है, मैंने दारू छोड़ दिया। हेलो हेलो, मेरी कोई बात सुन रहा है? इनको चुप कराओ सालों को। 2 मिनट तू चुप रहा है, तू बता मैं दोबारा बोल रहा। मैंने साला तेरे को कितनी बार कहा है घर से दारू नहीं पी के आनी, तेरे को यहाँ पे दारू नहीं लेके हम लोग। तू तो कहता था तूने दारू छोड़ दिया। हाँ मैंने दारू छोड़ दिया, वो क्या दारू छोड़ने की खुशी में दोस्त लोग ने दारू पार्टी की थी ना, तो वहां पे थोड़ी सी। ए बैंड वाले,
शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त पकड़ो उसको, कल मेरी बोतल लेके भी निकल गया था वो। मैंने तुझे कितनी बार कहा है इस बेवड़े को जीजा बनाकर मत बुलाया कर, जब भी इसके साथ शादी में जाती हूँ बेइज्जती कराता है। तो क्या करूँ, सस्ता यही पड़ता है। पिछली बार मीरा रोड वाला जीजा किया, इतना बदतमीज जीजा, शादी के बाद दूल्हे की सगी बहन के पीछे पड़ गया। ये जीजों की सालों की कौम ही ऐसी, हर जगह सरपंच बने फिरते ये लोग, बदतमीज कहीं के। ए, नागिन बजा, नागिन नागिन बजा, नागिन नागिन बजा। गा बेटा गा। ज्योति बहन पुत्रीकर इस्लामाबाद पेश कर दो खूबसूरत नजराना। आज नाना जी की शादी के मौके पर खूबसूरत गीत पेश कर रहा हूँ। खुश रहे तू के हम तो गम के कांटों पे चल के, चुन रहे हैं अकेले टुकड़े अपने ही दिल के, क्या करे हाय कहाँ जाए तकदीर के मारे। ए, क्या कह रहा है, ये मेरी शादी है, मैयत नहीं। अरे बेटा मैयत का फंक्शन परसों है, आज मेरे भतीजे की शादी है। एक तो पता नहीं चलता ना, दो दो फंक्शन इकट्ठे पकड़ देते, शाम को मैयत का सुबह शादी का। शादी है ठीक है। ज्योति बहन इस्लामाबाद पुत्री का एक बार फिर से पेश करते खूबसूरत नजराना, आपकी नजर अर्ज किया है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। ज्योति बहन पुत्रीकर इस्लामाबाद पेश करते खूबसूरत नजराना, आपकी नजर। मस्ती भरी रात है, वो सोनी कुड़ियों का भी साथ है, वो जीने का ले ले मजा, वो डरने की क्या बात है, है ना 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 नारे 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 ना 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 नारे नारे ना, ओ ना 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 नारे 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 ना 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 नारे नारे ना। एक मिनट, ए बुढ़िया उधर किधर, एक तो ये बुढ़ी औरतों का ना, बुढ़ी औरतों के साथ ही दिल लगता है, इधर उधर किधर जा रही हो, और ध्यान से जीजा, और ट्रकार है ट्रकार है। और जीजा जीजा ध्यान से, अबे जीजा ध्यान से, ट्रकार है ट्रक ट्रकार है। अबे तेरा कौन सा मामा सड़क पे ट्रेन चलाता है बे, ट्रकार है उधर। चल बे जीजा तेरा पैकअप, चल उठ जा उठ जा उठ जा, चल भाग जा, पैकअप पहले जीजा, गाड़ी की मार दिया मेरे को। बढ़िया जवान मौत हुई है, डांस बंद। ए तेरा जीजा मर गया, जीजा मर गया, हाय मैं। अरे क्या हुआ जीजा मर गया, लो जीजा मर गया, क्या हुआ जीजा मर गया, मैं विधवा हो गई। दो तुम नहीं हुई विधवा बुढ़िया, माइक मार के मुंह पे होठ सुझा दूं तेरे में। और तू क्या लगा रहा है, जीजा मर गया जीजा मर गया, उधर मरा है ना, हम इधर से निकल जाएंगे। चल बढ़िया मेरे पैसे ले और निकल, कहीं मर मरा गई तो तेरे रोने पे भी खर्चा करना पड़ेगा। चल आते यार। लड़की वालों घर आ गया। वाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, आपकी शादी इनसे? नहीं मेरी शादी इससे नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार मैं तो, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे आज अपनी शादी के लिए बुक किया था और तू यहाँ पर है। देख तू सेम स्लॉट पर किसी दूसरे की शादी में नहीं बजा सकता। सैफ अली खान के विपुल छाप है। अरे यार मैं सैफ, अब जल्दी चल, वहां करीना मेरा वेट कर रही है। अच्छा, ए ये कहीं नहीं जाएगा, इसने मेरी शादी के ऑर्डर लिए है। ए, आज तेरी शादी है, तू शेव करके क्यों नहीं आया बे? नहीं नहीं शेव करके आते हैं, एक्चुअली क्या है इनके दिन में तीन बार दाढ़ी आती है। अरे यार तू उतर, देख मुझे शादी करनी, मुझे घोड़ी ले, ले ए, मैं घोड़ी से नहीं उतरूंगा, ये देख मेरे दुल्हन का घर आ गया। गुड़िया तूने गुड़िया से शादी की? तू भी तो गुड़िया से कर रहा है, नाम अलग है तो फिर क्या हुआ बे? जानू
क्यों कर दी? और ये लोग कौन है? इन्हें भगाओ यहाँ से। यहाँ से निकलो। ऐसे कैसे निकलूं बे? मेरी पेमेंट? ये कलम वाली भाई ठीक कहती है, सबको चाहिए पैसा पैसा पैसा। मेरा एक शेर याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। ये ले 100 रुपए, बाकी पेमेंट सुबह ले लेना। बाकी पेमेंट सुबह ले लेना? बात तेरा दिमाग साले तेरे। एक बार तेरा, मैं बाकी पैसे सुबह ले लूं? अगर तेरी बीवी तेरे को गिलास दूध का पिला के कहे बाकी बातें कल करके अभी सो जा, तो तेरे को कैसे लगेगा बे? जानू घूंघट उठाओ प्लीज। ओ माय गॉड, अमृता तुम तुम इससे शादी करी हो, नाना से? तो फिर क्या हुआ, वो भी तो नानी है, कल भूषण खरबंदा की क्लासमेट है वो, नानी से शादी कर रहे है। ओ माय गॉड, ये लड़कियां मुझे पागल बना देंगी यार, वाओ। मैंने कहा था एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। मत जा उनके पास, मत बन उनको दास, क्योंकि कर देती है अपने को उदास। क्या करे साली, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। पहले मुस्कुराती है फिर लाइन देती, अपने को वक्त देती साली टाइम पे नहीं आती। क्या करे साली, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है। ओए सुन मेरी बात, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इससे पहले ये पागल हमारे पत्थर मारे, सर फोड़े मारा, इधर से निकलते हैं। दो इस पागल को नंबर। तो जजेस बताइए, आप लोगों की हंसी देखकर जाहिर हो गया कि आपको ये एक्ट बहुत पसंद आया। सुहेल, मैं तीनों सीजन में इतना नहीं हंसा हूँ जो आज इस एपिसोड में हंसा हूँ। थैंक यू। हम पे मैं एक्ट पे नहीं हंसा हूँ, मैं एक्ट पे हंसा हूँ। ये फर्क है, लेकिन इट हैड इट्स ओन चार्म। जितना मैं नाना पाटेकर को जानता हूँ वो किसी चीज से नहीं डरते। आपने एक नाना के ऊपर एक नया टेक लिया है, क्या डरा हुआ नाना। गॉड ब्लेस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी शुड सी यू मोर ऑफन हियर। आर्ची, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग पहले भाग में तो समझ ही नहीं आया, बिकॉज सोहेल इतना जोर से हंस रहा था मुझे डायलॉग ही नहीं सुनाई दे रहा था। देयर वाज अ एक्स एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था आज इस मंच पर, और वो एक्स एलिमेंट है केटी सर। आपने जो इस एक्ट को कॉमेडी ऑफ एरर्स बना दिया, बिकॉज सो मच वॉज हैपनिंग जो स्क्रिप्टेड नहीं था, और उस ह्यूमर की वजह से बहुत ह्यूमर निकल कर आया है और ये एक्ट कमाल की बन गई। बट कपिल, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आपको पता था कि जो मैंने सोचा था होने वाला वो तो हो ही नहीं रहा। तो आप कभी घोड़े पर बैठ गए, आपने अपना वो तंबूरा निकाला, छोटी सी बीन ले ली, फिर आप माइक लेकर बोलते अभी मैं गाना गाऊंगा। आपने कितना संभालने की कोशिश की, आपकी इच्छा की मैं दाद देती हूँ कि आप कितनी इच्छा कर रहे थे कि ये एक्ट संभल जाए। टिल द एंड यू डिडंट लीव द एक्ट, हैट्स ऑफ। तो जजेस, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बताइए आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? I'm gonna go for a full on 10. Thank you very much. On 10, yeah. Archie, ये इसके काबिल। 10 points from Archana as well.